हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शाइनी। समर सीजन इज ऑलमोस्ट हियर। अभी सनरेज भी काफी ज्यादा तेज है एंड इस दौरान हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ट्राई किया है ये वाउ स्किन साइंस वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ये आपको मैट फिनिशिंग एक लुक देता है विथ SPF 55 प्लस का प्रोटेक्शन। तो इसे मैंने काफी दिनों से इस्तेमाल किया है और फिर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, या फिर टीनेज में अगर आप हैं तो टीनेजर क्या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, मेन के स्किन के लिए ये सूट करेगा कि नहीं, या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली सेंसिटिव टाइप्स है तो क्या आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो सब कुछ मैं इन डिटेल शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि बीच में जाने के लिए ये परफेक्ट रहेगा कि नहीं, मतलब दिस इज वाटर प्रूफ और नॉट। तो सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ, आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीनेजर है, मेन विमेन सबके लिए इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन इस्तेमाल करना। और इस तरीके का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वाउ स्किन साइंस का सनस्क्रीन है ये आपको प्रोटेक्शन देता है UVA UVB रेज से। ये एक हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो कि आपको हर तरीके के पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है, सिर्फ और सिर्फ सन रेज से ही नहीं। ये आपके स्किन के ऊपर एक शील्ड की तरह काम करता है जो सन रेज से भी प्रोटेक्ट करता है, पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो इसके अंदर किसी भी तरीके का हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, ऑक्साइड कलर, इनफैक्ट बेंजोफेनन भी नहीं है। तो ये आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। आपकी स्किन सेंसिटिव है और एक्ने प्रोन है फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स जस्ट बिकॉज दिस इज टोटली सेफ टू यूज ऑन योर स्किन। जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें है सारे ही प्लांट बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मैंने काफी सारे सनस्क्रीन इस्तेमाल किया है, लेकिन इस सनस्क्रीन में जो जो बेनिफिट्स मुझे मिला है वो मुझे किसी और सनस्क्रीन में नहीं मिला है, क्योंकि इस सनस्क्रीन के अंदर हाई कंसेंट्रेशन में स्किन नरिशिंग नेचुरल एक्टिव्स है। इसके अंदर रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल, विटामिन ई है। रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट विटामिन सी का एक रिच सोर्स है जो कि एक नेचुरल सन ब्लॉकर के तौर पर काम करता है, स्किन डैमेज को रिपेयर करता है। कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट विटामिन ए विटामिन ई का एक सोर्स है जो फोटो डैमेज को प्रिवेंट करने के साथ साथ एजिंग साइंस को भी रिड्यूस करता है। एवोकाडो ऑयल एक हाई सोर्स है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का, जो कि नेचुरल सनस्क्रीन का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट स्किन को टैनिंग से बचाता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करता है स्किन को, इनफैक्ट अगर किसी भी तरीके का स्किन डैमेज हो रहा है उससे भी विटामिन ई प्रिवेंट करता है। सो ये सनस्क्रीन इस्तेमाल करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप अगर टीनेज में है, आप अगर मेन है, विमेन है, एवरीवन कैन यूज दिस सनस्क्रीन एंड इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऑल्सो पंप बॉटल की वजह से ट्रैवलिंग में भी ये इजी हो जाता है और एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा जो प्रोसेस है वो हैसल फ्री एंड इजी हो जाती है। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सनस्क्रीन के बारे में वो है कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है और एकदम व्हाइटिश जो कास्ट है वो नहीं छोड़ता, कोई चौकीनेस नहीं है इसके अंदर। ये ऐसा फील ही नहीं होता है कि आपने कोई सनस्क्रीन वगैरह या कुछ फेस पर अप्लाई किया है, इतना ज्यादा लाइट वेट इसका फॉर्मूला है। इंस्टेंटली अब्सॉर्ब भी हो जाता है, येट ब्रॉडली एकदम प्रोटेक्शन आपको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आपके स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अगर आपकी स्किन में साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट हो रही है जो कि जनरली यूवी रे से ही होता है, उससे भी आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फोटो डैमेज को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ अगर आपकी स्किन में रेडनेस वगैरह हो जाती है उसे भी सूथ करता है, और अगर सन डैमेज की वजह से स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो उससे भी ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। ये आपके स्किन पर हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये सपोर्ट करता है स्किन लिपिड्स रिपेयरिंग और एक मॉइस्चराइज्ड एक बैरियर प्रोवाइड करता है, स्किन को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है, रिंकल्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। और अगर ब्राउन स्पॉट्स है आपके स्किन में तो अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो उससे ब्राउन स्पॉट्स और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उससे भी ये सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। सो ये आपको ऑल ओवर प्रोटेक्शन देता है।
आप जब बाहर जा रहे हैं उसी टाइम इसे अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर पर भी डैमेज होता है आपकी स्किन, जिसकी वजह से रिंकल्स ज्यादातर हो जाते हैं, तो आप डेली बेसिस पर ही इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 2-3 घंटा बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं, बट घर पर भी आपको सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीम सनलाइट में पूरा दिन काम कर रहे हैं तो उस टाइम री एप्लीकेशन इज नेसेसरी। आप 2-3 घंटे बाद जब आपको सुटेबल टाइम लगेगा उस टाइम आप फिर से रीअप्लाई करें, क्योंकि फिर आप सन के एक्सपोजर में एवरी टाइम है, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा रीअप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट यह नॉन ग्रीजी, नॉन स्ट्रीकी, नॉन चौकी इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा क्विक ड्राई फॉर्मूला है और एक इवन फिनिश देता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ अप्लाई किया है। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट लेयर जैसा है आपकी स्किन के ऊपर रहेगा, जो कि आपको यूवीए, यूवीबी और पोल्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अब बात करते हैं कि इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है। जस्ट क्लीन फेस पर आप 2 या 3 पंप्स लीजिए इस सनस्क्रीन का और इसे अपने होल फेस पर अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा मसाज कीजिए, इंस्टेंटली ये अब्सॉर्ब हो जाता है, बट आपको आई कॉन्टेक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना है। और फिर आप सिर्फ और सिर्फ फेस पर ही नहीं, आप इसे अपने बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हैंड्स एंड लेग्स, नेक, इन पोर्शन पर भी अप्लाई करना जरूरी है। और फिर आप 15-20 मिनट्स बाद घर से निकले। अगर आप पूरा दिन बाहर है तो आपको इसे 2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या फिर आप कहीं बीच पर गए हैं तो आपको इसे 40-45 मिनट्स के बाद रीअप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो वाटरप्रूफ, मतलब आप बीच में या स्विमिंग भी कर सकते हैं इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद, तो आप 45 मिनट्स के बाद इसे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस सनस्क्रीन को वाउ स्किन साइंस के ऐप से जाकर परचेज किया है। आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से वाउ स्किन साइंस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उनके ऐप से परचेज करना बहुत ही ज्यादा इजी एंड हैसल फ्री है, क्योंकि ऐप पर अलग अलग से कैटेगरीज है, लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स। द प्रोडक्ट सिलेक्शन बिकम्स इजियर। आप जस्ट प्रोडक्ट को ऐड कीजिए कार्ट में एंड जस्ट प्लेस द ऑर्डर, दैट्स इट। ऐप पर शॉपिंग करने पर आपको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि स्किनसेंस के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको इस तरीके का एक स्टिकर दिखाई देगा। ये एक्चुअली एक QR कोड है। आप किसी भी QR स्कैनर से इसे स्कैन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी खुद पता चलेगी। इनफैक्ट ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज। तो जो प्रोडक्ट की जो परचेजिंग लिंक्स है और जो ऐप डाउनलोडिंग लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए अच्छा था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।